काजु काजु मुनु तोर दुम नाजु नली न्याबने काजु काजु गा दुम नाजु न्याब दिरचीने काजु काजु मुनु तोर दुम नाजु नली न्याबने काजु काजु गा दुम नाजु न्याब दिरचीने मेन गो मेन राव मैं गो मैं राव ते बोलु कोलो लुमिन गराव मेन गो मेन राव मैं गो मैं राव नो बोजा कोलो जामिन गराव घुमिन कते गो ते दम राव दमिन का बागो बादम राव बीको गे मानां बेजिन गराव काजू काजू मुनो तोड़ दुम लाजू नली न्याबने काजू काजू गा दुम लाजू न्याब दिलचीने गतक तपुयन नर लिन राब कौन गतम यन नर बाराब गतक तपुयन नर लिन राब कौन गतम यन नर बाराब अजी कब चुए दुयो माधब ओलो कमा करे या माधब दीकुन तुर्बु गो तुर्रा गागे गोम जब गो एम जब राब योरो मिन गो एम मिन राब दिर ये जे गो जे देनम निगा गा राब बोगदो यांगा गोंगा देनम तोर तोराब नली नंगो निगम निगम तम तमा गज किनको बे नली नंगो निगम निगम तम तमा गगो किनको बे कजु कजु मनो तोर दुम लाजु नली आराम से लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव
नमस्कार मैडम दिल जी, आज रिलू में आपका भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है और अभी बासर में जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं, परसों ही स्थानीय विधायक मौजूदा विधायक गोकर बासर ने भी आपके पार्टी को आपके परिवार में आ चुके हैं, अभी किस तरह का माहौल है, आप क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से आपका रिसेप्शन किया जा रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, आज हमारा लेपर यादा में हमें स्वागत किया गया है और दो साल पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्रेसिडेंट जो हमें कहा था कि हमारा लपारादा में बीजेपी का मौजूदगी थोड़ा कम है, आप जब पंचायत लीडर बनाया गया, आपको जब से पंचायत लीडर हुआ है आपको हम लोग दायित्व दे रहे हैं, मुझे दायित्व दिया गया था कि लपारादा में कमल का फूल खिलाए, तो उसका बात को फॉलो करते हुए, उसका फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए मैंने लपारादा में कमल का फूल खिला दिया है। तो इस बीच आज लपारादा में कमल का फूल भी खिल गया है और हमारा यहाँ पे हमारा विधायक एक था एनपीपी का था, तो वो परसों हमारा यहाँ कमल का फूल में हमारा बीजेपी में ज्वाइन हुआ है, तो आज हमारा लपारादा जो है 100% बीजेपी डिस्ट्रिक्ट है, तो हम सक्सेस हुआ है, इसलिए आज हम लोग सक्सेस होने का नाते आज हम लोग रैली मना रहा है। जी बेशक, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लपारादा में ब्लूमिंग करने का आपने जो काम किया, आज श्रेय ले रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी अनअपोजी कह सकते हैं, अनकंटेस्टेड कह सकते हैं आने वाले दिनों में। तो अभी मैडम एनपीपी से रिजेक्शन देने के बाद बासर सर आ चुके हैं, तो अभी विधायक का दायित्व, अगर कोई सिचुएशन ऐसा आ गया बासर में लपारादा में कि विधायक का दायित्व निभाए, तो आप अभी किस तरीके से देखने वाले, कुछ आपके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने एनपीपी से रिजेक्शन दे दिया तो अभी वो एमएलए नहीं रहे, एक्स एमएलए हो चुके, इस तरह का भी बात कहना आ रहा है? जी, आज हमारा लपारादा में एमएलए नहीं है, एमएलए ऐसा है कि 60 constituency है, 60 MLAs है, आउट ऑफ 60 MLA आज हमारा अरुणाचल में 56 MLAs बस किया है, तो आउट ऑफ 56 MLA आज हमारा नहीं है अरुणाचल में, तो साथ में उसी बीच में हमारा लपारादा का MLA भी आज MLA लपारादा में भी MLA नहीं है आज। मैडम बसर सर पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मौजूदा विधायक भी टिकट क्लेम जरूर करेंगे, आप पार्टी को क्या संदेश देना चाहेंगे, आपके लपारादा डिस्ट्रिक्ट के जनता को क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि पार्टी में वो आ चुके हैं, इसका मतलब है कि क्लेम तो वो भी करने ही वाले हैं? मैडम ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक डिस्ट्रिक्ट है, हर कोई यहाँ टिकट क्लेम कर सकता है, वो अपना ऊपर है और जो टिकट देना जो है हमारा हाई लेवल हाई कमांड जो है उसको करेंगे। थैंक यू। Look at the public, 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 look at
Yeah.
आपका लीडर कैसा है? बीजेपी इना आईना कैमरा लापा को हूं तो के Tapi mau